मैंने परसों की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ट्रांसफर्स का एक रैकेट, ये कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस ने पकड़ा, पकड़ने से पहले बकायदा डीजी और एसीएस होम की परमिशन ली और उसका एक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया। 2017 में जिस समय मैं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री था, आप लोगों को याद होगा कि मुझे जानकारी मिली थी कि मुंबई के किसी होटल में कुछ लोग डीलिंग कर रहे और कुछ पुलिस अधिकारी वहां जा रहे। मैंने तुरंत कमिश्नर इंटेलिजेंस को बुलाया, मुंबई सीपी को बुलाया, एक प्लान ऑपरेशन हमने किया, तुरंत इंटरसेप्शन किए, उन सभी लोगों को अरेस्ट किया और चार्जशीट भी दाखिल हुई क्योंकि सारे सबूत इंटरसेप्शन के माध्यम से थे। इसी प्रकार से वही सीओआई जब उस समय थी, वही सीओआई अभी भी थी। और मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे आने से पहले भी माननीय आरआर पाटिल जी के समय कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस वही सीओआई थी श्रीमती रश्मि शुक्ला, और इसलिए उनको तीनों गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है। तो उनको जब यह जानकारी मिली कि एक रैकेट, ये मिनिस्टर का नाम इस्तेमाल कर रहा है, उनके ऑफिस के लोगों के नाम आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग में पुलिस वालों से सीधी बातचीत चल रही है, तो उन्होंने बकायदा उसके बारे में डीजी साहब के ध्यान में लाकर दिया। और फिर नियम के अनुसार माननीय डीजी साहब ने उसमें थ्रू डीजी एक परमिशन एसीएस होम को मांगी कि ये सारे नंबर हमको इंटरसेप्शन पे लगा ले, और बकायदा एसीएस होम ने वो परमिशन दी। उस परमिशन के तहत जब कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हुआ तो बड़ी एक्सप्लोजिव चीजें बाहर आने लगी और कई बड़े अधिकारी, कई पॉलिटिकल लोग, इनके नाम, चर्चाएं, ये इसमें से बाहर आने लगी। और ये सारी चीजें ध्यान में आने के बाद इसको सारा कंप्लीट, इसका रिपोर्ट उस समय सीओआई ने तैयार किया और 25/8/2020 को यह रिपोर्ट सीओआई ने, कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस ने डीजी साहब को दिया और डीजी साहब ने 26 तारीख को, ये अनसाइंड है लेकिन जो मंत्रालय में वो साइंड है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, नहीं तो फिर वापस, और ये तो साइंड ही लेटर है, 26 तारीख को उन्होंने, डीजी साहब ने उस समय के एसीएस श्री सीताराम कुंटे जी को ये फॉरवर्ड किया और उसमें बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने ये कहा कि ये जो सारा रिपोर्ट है, hence it is recommended that this be brought to the notice of honorable chief minister at the earliest and an immediate and comprehensive inquiry be ordered by the state CID to identify concerned individuals and take necessary legal action. It is also advised that the secrecy of the report be ensured in order to prevent unnecessary scrutiny which may bring disrepute to the government. ऐसा बिल्कुल क्लियर पत्र ये डीजी साहब ने उसके बाद लिखा, 26/8, पहला जो है, जो जो
जो सीओआई ने लिखा हुआ है वो 25/8/2020 का है, यानी आज से 9 महीने पहले, कितना, 8-9 महीने पहले। दूसरा वो 26/8 का है। मेरी जानकारी के अनुसार उसके बाद इसके बारे में पूरी ब्रीफिंग ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हुई और मुख्यमंत्री जी ने कंसर्न भी जाहिर किया। और ये मेरे पास डेटा है, करीबन 6.3 जीबी का ये डेटा मेरे पास है कि जिसके अंदर ये सारे कॉल्स इंटरसेप्ट किए हुए और ये एक पूरा रिपोर्ट इसका जो है, मतलब ये कवरिंग लेटर है और कवरिंग लेटर के साथ ये पूरे ट्रांसक्रिप्ट्स उसके, ये रिपोर्ट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे गए। लेकिन जब ये ध्यान में आया कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो डीजी साहब ने भी प्रयास किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि मुख्यमंत्री जी के यहां से वो रिपोर्ट गृहमंत्री जी के यहां चली और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई होना दूर, कार्रवाई किस पर हुई? कार्रवाई हुई कमिश्नर इंटेलिजेंस पे। कैसे हुई? तो पहले कमिश्नर इंटेलिजेंस को, वो सीनियर मोस्ट थी, डीजी का उनका प्रमोशन था, उनका डीजी का प्रमोशन रोक दिया गया और उनके नीचे वालों को एडवांस प्रमोशन दिया है। उसके बाद चूंकि उनका रिकॉर्ड इम्पेकेबल था, सारे उनके सीआर बिल्कुल अच्छे थे, तो उसके चलते उनको प्रमोशन देना ही पड़ा। तो उनको प्रमोशन ऐसी जगह दिया, डीजी सिविल डिफेंस, जो पोस्ट अस्तित्व में नहीं, और सरकार पोस्ट तैयार कर सकती है लेकिन उनको देते समय कैबिनेट का भी अप्रूवल नहीं दिया पोस्ट तैयार करने के लिए। और 10/10 का केबिन उनको दिया गया, मतलब उनको बताया गया कि आपने ये जो इंटरसेप्शंस किए नियम के अनुसार और रिपोर्ट जो तैयार की, ये रिपोर्ट तैयार करना आपकी गलती है क्योंकि इसमें जो लोग लिप्त हैं वे सारे के सारे लोग इसके कारण एक्सपोज होते हैं। और जैसा मैंने कहा, जानबूझकर 25 अगस्त 2020 से आज तक इतने सेंसिटिव रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आश्चर्य की बात ऐसी है, इस रिपोर्ट में जिनके नाम आए हैं उनको वही पोस्टिंग्स मिली है, उनको वही पोस्टिंग्स मिली है। और इसलिए ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार का मामला है। मैं उनका लेटर जरूर आपको एक्सेस कराऊंगा, पर मैं उसके एनेक्सचर्स और ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव नेचर की है। इसमें कई अफसरों के नाम आते हैं, कुछ सीनियर अफसरों के भी नाम आते हैं, और इसलिए मैंने आज शाम को दिल्ली में होम सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट मांगी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं दिल्ली जाने वाला हूं और ये पूरी जानकारी मैं होम सेक्रेटरी को दूंगा और मैं उनसे निवेदन करूंगा। चूंकि कई आईपीएस अफसर है, कुछ नॉन आईपीएस भी है, कुछ छोटे भी अफसर है, लेकिन चूंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और उनके कस्टोडियन ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसलिए होम सेक्रेटरी इस पूरे मामले की जांच ये सीबीआई से करे। इस प्रकार की मांग मैं होम सेक्रेटरी को करने वाला हूं।